इस चैप्टर की शुरुआत कुछ लाइनों के साथ करना चाहता हूँ, मेरे बात को गौर कीजिएगा। देखिए, गरीबी तोड़ देती है, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराए भी अपने होते हैं जब जेब में पैसे होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप आज अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कल का अगर आप खूब पैसा कमाते हैं, तो जो पराए लोग हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, वह भी आपसे रिश्ता रखेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, आपको बुलाएंगे अपने घर में, इज्जत देंगे, सम्मान करेंगे आपका। लेकिन अगर आप कल का पैसा नहीं कमाते हो, आपके अंदर गरीबी है, तो ना तो आपको कोई पूछेगा, ना तो कभी कोई रिस्पेक्ट देगा, इतना ही नहीं, कभी आपका सहयोग भी नहीं करेगा। यही मानसिक विचारधारा के साथ कि अरे यार ये तो गरीब है, आज मैं इसका सहयोग करूंगा तो क्या ये हमारा कभी सहयोग कर पाएगा, बोलेंगे नहीं कर पाएगा, तो हम भी इसका सहयोग नहीं करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसीलिए आज से ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आ चुका है, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आपके लिए वन शॉर्ट वीडियो अपलोड है, पूरे के पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समझा दूंगा, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, और वो भी एकदम आसान भाषा में। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम कक्षा 10वीं के साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण को किस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले कक्षा 9वीं के चीजों को पढ़ाएंगे, जो आप भूल चुके हो ना, उसे याद दिलाएंगे कि क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षार, क्या होता है लवण, ये सब कक्षा 9वीं में तुम पढ़ चुके हो। जब ये तुमको याद आ जाएगा तो चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, फिर अंतिम में कुछ प्रश्न देंगे जिसको देखना तुम आसानी से सॉल्व कर जाओगे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। और जैसे ही तुम उस प्रश्न को सॉल्व कर गए, तो समझो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, कोई भी, आप आसानी से कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रमशः इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, नाम देखिए और उसके अर्थ को समझिएगा, गौर करना मेरी बातों को। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। मतलब इस चैप्टर में हमें तीन चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। इसका परिभाषा देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन करके देखेंगे और अम्ल का लवण के साथ रिएक्शन करके देखेंगे। कुछ अम्ल का नाम देख लेंगे, कुछ क्षार का नाम देखेंगे, कुछ लवण का नाम देखेंगे और इतने में चैप्टर को द एंड कर देंगे। चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तुमको इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर टफ लग ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी लेता है मिडिल एजुकेशन। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप हो कौन, हमने आपको पहले कभी सुना नहीं। तो जी हाँ, आपने नहीं सुना है, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। चलिए अब हम आपके दिमाग की धूल मिट्टी को साफ करते हैं और आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। कक्षा 9वीं में आप पढ़े होंगे कि अम्ल क्या है, लेकिन बोलोगे यार 9वीं का पढ़ा हुआ सर, हम तो भूल गए ना, एक बार आप ही बता दो। तो सिंपल सा यार, अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम पानी में डालते हैं ना, तो हाइड्रोजन आयन देता है। अब बोलोगे हाइड्रोजन आयन ये क्या होता है? अरे सिंपल सा यार, जब पानी डालोगे तो H पॉजिटिव देगा, मतलब धन आयन देगा, बस इसी को अम्ल कहते हैं। बोलोगे सर यार मुझे समझ नहीं आया यार, मजा नहीं आया, कुछ अच्छा सा तगड़ा समझाओ ना। तो देखो, परीक्षा के लिए आपको यही डेफिनेशन लिखना है और अब मैं समझाता हूं तगड़ा सा। जब कोई चीज तुम खाती हो, खाने में जब तुमको खट्टा लगता है, खट्टा, जैसे नींबू, नींबू खाते हो कितना खट्टा लगता है, बाप रे बाप कितना खट्टा है नींबू, वही तो अम्ल है। जो तुमको खट्टा लगे, आपका नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, जब चींटी काटती है, डंक मारती है, तो वहां पर बहुत खुजली होता है, वो खट्टा होता है, वही तो अम्ल है। अब बोलोगे सर चींटी तो मैंने कभी खाई नहीं, लेकिन खा के जरूर देखूंगा। अरे चींटी मत खाना, चींटी को तुम कटवा के देख लेना, तुमको पता चल जाएगा कि उसका डंक खट्टा होता है। तो बस यही अम्ल है। अब थोड़ी थोड़ी याद आ गया होगा दिमाग में कि हाँ 9वीं में मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा था। अब देखना, हमने प्रैक्टिस करने के लिए क्या लिया, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में हमने अम्ल को डाल दिया, मतलब नींबू के रस को निचोड़ दिया, ये भाई नींबू का रस है, इसमें हमने निचोड़ के इतना भर दिया, बहुत मेहनत किया तब जाकर के नींबू का रस निचोड़ पाया हूँ। फिर हमने गया मार्केट, दौड़े दौड़े गए और बोले यार भाई लिटर्स पेपर दे दो, तो उसने तुरंत लिटर्स पेपर निकाला
और दे दिया। लेकिन आपको पता है लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, एक आता है नीले रंग का और दूसरा आता है लाल रंग का। तो मैंने दुकान वाले से बोला यार मुझे दोनों रंग का दे दो, उसने दो दे दिया। और लिटमस पेपर को लेकर के जैसे ही मैं नीले कलर के लिटमस पेपर को डाला तो उसका कलर चेंज हो गया, लाल कलर हो गया। मुझे समझ आया कि यार अम्ल के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा है, हमारे पेपर का कलर कैसे चेंज हो गया। इसी प्रयोग को मैंने दोबारा दोहराया लाल लिटमस पेपर को लेके, और जैसे ही मैंने लाल लिटमस पेपर को नींबू के रस में डाला उसका कलर चेंज हुआ ही नहीं। मैं समझ गया कि अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसा रहता है वैसा का वैसा ही हमें देखने को मिला। तो ये देखो हमने लिख दिया कि नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसी को अम्ल कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार सर मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ ना, कोई ट्रिक बता दो। तो मेरे पास ट्रिक भी है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। एक नाम याद रखना, हो सकता है तुम्हारे स्कूल में हो सकता है तुम्हारे घर में किसी बच्चे का नाम याद हो, उसका नाम है अनिल। मेरे एक दोस्त है उसका नाम अनिल है, उसके नाम से मैंने पढ़ाई खोज लिया। कैसे? अनिल, आ मतलब कहो अम्ल, नी मतलब नीला और ला मतलब लाल। मतलब जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब बताओ एक नाम याद रखो तुमसे अम्ल भी बनेगा क्षार भी बनेगा, है ना मजेदार ट्रिक। अगर ट्रिक पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसे ही पढ़ाऊंगा और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। मैं बोला था ना चैप्टर को टफ लग ही नहीं सकता, एंड कहाँ है टफ। अच्छा कुछ एग्जांपल भी देख लो, जैसे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 ये भी अम्ल का ही नाम है। आगे बढ़ते हैं, अम्ल को तो हमने अच्छे समझा दिया। बोलोगे यार सर थोड़ी क्षार को भी समझाओ ना, मजा आ जाए। तो देखो यार क्षार, ये आपके सामने है क्षार। अब देखो ऐसा कोई पदार्थ जिसे हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर वो हाइड्रोजन आयन नहीं देता बल्कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब OH निगेटिव देता है, इसे कहते हैं क्षार। यही आपका डेफिनेशन है और लिख करके आना है, परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, अब अम्ल का उल्टा कर दो। जैसे अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, तो जो क्षार होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। यहाँ पर ये खट्टा लिखा है, क्रॉस कर दो, यहाँ पर लिखा है कड़वा। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अब क्षार के लिए मैंने परीक्षण किया यार, क्षार के लिए मैंने कैसे परीक्षण किया, क्षार को मैंने पानी में डाला, क्षार मतलब NaCl, ठीक है। नमक को, नमक का घोल मैंने लिया, एक बीकर में मैंने डाल दिया, देखो भर दिया, और मैंने 2 जो लिटमस पेपर खरीद के लाया था उसका टेस्ट किया। तो नीला को पहले मैं डाला तो नीला लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो नीला का नीला ही रहा। लेकिन जैसे ही मैंने लाल को डाला यार लाल कलर ना नीला पड़ने लगा। मैं बोला बाप रे ये क्या हो रहा है। यहां से मुझे समझ में आया कि यार लाल लिटमस पेपर कोई नीला कर रहा है, मतलब जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और अम्ल क्या करता था, नीला को लाल, याद है ना, बस सिंपल सा। अब देखो एग्जांपल के तौर पर क्या लिखा है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे जब मैंने पानी में डाला तो ये क्या क्या हुआ, सोडियम अलग हो गया और OH निगेटिव अलग हो गया, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया। बस यही तो क्षार था, कुछ नहीं था। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कक्षा 10वीं में पिछले साल एक प्रश्न पूछा था कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। बहुत सरल है, जरा सुनना। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जितने क्षारक है जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। बस खत्म, मतलब क्षारक तो सब है लेकिन जल में जो चीज घुल गया वही क्षार निकला, और क्षार क्या कहता है कि लाल लिटमस पेपर को करेगा नीला। बस इतना सा है, ठीक है। इसको जब हम छूते हैं ना क्षारक को तो ये साबुन की तरह होता है, बहुत चिकना चिकना, और जब मैं खा के देखा तो मुझे स्वाद में कड़वा लगा। तो क्षार भी तो आपको कड़वा लगता है ना, लेकिन क्षार किसे कहते हैं, जो पानी में घुल जाता है। अब देखो मैंने कुछ क्षारक लिया, ग्लास में मैं पानी लिया, इसको डालना प्रारंभ किया तो कुछ कुछ घुल गया। ये देखो एक घुल गया, ठीक, एक घुल गया पानी में, तो इसे ही क्षार कहेंगे। एंड यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है NaOH KOH CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से क्षारक भी कंप्लीट होता है। अब देखो लवण क्या होता है यार, लवण, लवण को नमक भी बोलते हो, साल्टी भी बोलते हो। तो सिंपल सा यार, अम्ल और क्षार को तुम ले लो, ठीक है। एक पात्र में मैंने अम्ल लिया, एक पात्र में मैंने क्षार लिया, और दोनों को मैंने इसमें डाल दिया, ठीक, इसको भी डाला, इसको भी डाला।
तो दोनों को जो मैं डाल दिया ना, यही तो लवण बना है। मतलब अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण उत्पन्न होता है, बस इतना सा लिखना था, देख लो। तो चलो, ये तो रहा कक्षा नौवीं की बात। जो आपके दिमाग में धूल मिट्टी जमी थी उसे मैं साफ कर दिया। अब बताओ भाई, तुम्हारा एनर्जी लेवल कैसा है? हम आगे बढ़ें और एक एक चीज को समझें। एनर्जी लेवल बना के रखना, वीडियो को स्किप मत करना यार। अगर तुम चाहते हो कि हमारे पास ये पैसा हो, समाज में इज्जत हो, रुतबा हो, चार लोग मुझे जाने, तो वीडियो को बिना स्किप किए और एंड तक देखना। वीडियो एंड होते होते आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा, इस बात की गारंटी देता है आपको मिडिल एजुकेशन। अब देखिए, हमारे कुछ सोशल मीडिया साइट हैं जहां पर जुड़ करके आप और भी फायदा उठा सकते हैं। यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लेटेस्ट अपडेट देता हूं कि यार कौन सा वीडियो आने वाला है, कौन सा वीडियो अभी नहीं आएगा। अगर मेरी हालात बिगड़ते हैं, तो जैसे तबीयत बिगड़ गई, तो मैं वहां पर अपडेट देता हूं कि इतने दिन छुट्टी है। ठीक, ये सब के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया है, तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ दिया जाता है। ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलते हैं। उसमें मेरा चित्र देखोगे तो बहुत कार्टून कार्टून बन करके मैं इंस्टाग्राम पर आता हूँ। तो इस प्रकार से जानकारी दी जाती है। तो जुड़िए सब जगह, फायदा उठाइए यार, सब तुम्हारा ही है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कक्षा दसवीं के चीजों को पढ़ना। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण अम्ल के नाम जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला अम्ल है HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंड इसका रासायनिक नाम है HCl। हाइड्रो मतलब H और क्लोरिक मतलब Cl, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। अब ये तनु क्या होता है सर? ये कोई लड़की का नाम है क्या जो सल्फ्यूरिक अम्ल के सामने लग गया? तो नहीं, लड़की का नाम नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि तनु नाम क्यों जुड़ा है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। सूत्र याद रखना, ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसको याद करने का कोई ट्रिक अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही बनाता हूँ तो इंस्टाग्राम में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट आपका का है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। एंड इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल NaOH। आपको पता है भोजन का पाचन आपके HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के थ्रू होता है, मतलब मनुष्य के शरीर में ये अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तभी जाकर के भोजन का पाचन होता है। अगर हमारे और आपके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता ना, तो भोजन पचता नहीं यार। जो खाते चावल दाल सब्जी रोटी, वो तुम्हारे पेट में भरा रहता और भरा भरा तुम लेकर के इधर उधर घूमते, ठीक। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से ही हमारे भोजन का पाचन होता है। तो बोलोगे सर आपके पास, नहीं, तुम्हारे भोजन का पाचन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से। अब आगे आइए देखते हैं कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या क्या परिवर्तन होता है यार। तो देखो, जब भी हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे ना, तो हमेशा हमें लवण मतलब नमक और पानी मिलेगा, ठीक। हमेशा हमें नमक और पानी मिलेगा जब जब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे। एंड मैंने आपको परिभाषा में बताया था, अगर याद होगा तो, लवण किसे कहते हैं? तो अम्ल और क्षार के मिलाने से लवण बनता है। तो जब जब अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो लवण और पानी बनेगा। यहाँ पर एग्जांपल देख लो, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका अम्ल हो गया। HCl आपका क्षार हो गया, जब इसे मिलाए तो ये बनेगा NaCl एंड H2O, इस प्रकार से ये बन करके निकलता है, ठीक। सॉरी, ये जरा मैं यहाँ पे गलत बोल दिया, जो अम्ल है वो है HCl और जो क्षार है वो है NaOH, ठीक, इसको ध्यान रखना, ये बनता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और देख लो, जैसे अम्ल और धातु मिलाए। अब हमारे पास अम्ल है, अम्ल मतलब HCl है, और कोई भी धातु मिलाएंगे, मेटल जैसे ZN ले लो, PB ले लो, कोई भी धातु ले लो, ठीक है, लोहा ले लो, Fe ले लो, तो जब हम ये मिलाएंगे ना, तो हमें नमक बन के निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बढ़िया गैस की बुलबुले ऊपर बाहर आएंगे, ठीक, इसके माध्यम से। नेक्स्ट, अब हमने अम्ल का और धात्विक ऑक्साइड का रिएक्शन किया, मतलब ऐसा धातु जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो, जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें नमक मिला और पानी मिला, मतलब देखो नमक सब में मिल रहा है। नेक्स्ट, जब हमने अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन किया, तो हमें वही नमक मिला, पानी मिला और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बस आपके चैप्टर में इतना ही है कि किसमें क्या मिलाए हैं,
तो क्या बनेगा? तो ध्यान देख लो, सब में अंतिम में आपको नमक मिलेगा ही मिलेगा, फिर किसी में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, किसी में पानी निकलेगा, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो आइए सभी अभिक्रिया को क्रमशः एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि किस धातु के साथ क्या मिलाने पर क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हमें क्या क्या मिलेगा। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक अम्ल की और एक क्षार की जरूरत पड़ेगी। और ये देखो, हमने एक में अम्ल भर लिया, एक में भर लिया क्षार, और इसके साथ हमने रिएक्शन करने के लिए एक धातु भी ले लिया, तो हमने इसमें एक धातु भर लिया। अम्ल में हमने कौन सा अम्ल लिया? तो H2SO4 लिया, मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। ठीक है, क्षार में मैंने लिया NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। और धातु के रूप में मैंने Zn को लिया, Zn मतलब होता है जिंक। अब इनके साथ में रिएक्शन करके देखा, इस बीकर में, ये बीकर दिया है, अलग अलग रिएक्शन करके देखा, तो देखा कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। ये बुलबुले किसी और के नहीं बल्कि H2 मतलब हाइड्रोजन गैस के हैं। तो देखो, जब मैंने अम्ल के साथ धातु का रिएक्शन किया ना यार, तो हमें लवण मिला, लवण के साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिला, ये देखो बुलबुले के रूप में। तो अम्ल के साथ मैं रिएक्शन किया मतलब H2SO4, और इसके साथ मैंने कोई धातु को मिलाया तो Zn को मिलाया। इसके स्थान पर आप चाहो तो Fe को मिला सकते हो, कोई भी धातु ले सकते हो। तो रिएक्शन किया तो ये बना आपका Zn SO4, और अंतिम में निकला आपका हाइड्रोजन गैस। तो ये तो मैं अम्ल के साथ किया। सेम रिएक्शन हमने एक धातु के साथ करके देखा, जिसका नाम है क्या, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन मैं किया Zn मतलब जिंक के साथ, तो ये बन के निकला Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हुआ इस बुलबुले के रूप में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए हम आपके NCERT में किस प्रकार से चित्र दिया है, चित्र के माध्यम से भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र अवेलेबल है, और देखो सबसे पहले हमने एक स्टैंड लिया, जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा हमारा क्या स्टैंड। स्टैंड में हमने एक बीकर को जमा दिया कुछ इस प्रकार से, एक परख नली भी कह सकते हो, बीकर कह सकते हो, जिसे हमने जमा दिया। और इसमें हमने क्या डाल दिया बेटा, H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये देखो हमने इसमें भर दिया। ये पीले कलर का जो दिख रहा है ना, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके बाद मैंने जिंक का टुकड़ा डाला, मतलब मैंने Zn लिया रिएक्शन करने के लिए, प्रयोग करने के लिए मैंने Zn लिया। और जैसे ही Zn डाला तो देखो ये बुलबुले दिख रहे हैं, बुलबुले के रूप में ये दिखने लगा हाइड्रोजन गैस। ये देखो जो बुलबुले दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस दिखने लगा। तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया कि एक नली लगाया, और नली से नली को कनेक्ट कर दिया किसमें, साबुन के बिलियन में, मतलब इसमें मैंने साबुन घोल के रखा था। और साबुन के बिलियन में जैसे ही डाला तो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला नली के माध्यम से आया साबुन के बिलियन में। और साबुन तो वैसे ही बहुत अच्छे से फूलता है ना, जब मैं छोटा था तो क्या करता था, हाथ में साबुन लगा लेता था, और साबुन लगा करके जब उसका फैन बन जाता था तो उसमें हवा भरता था, तो बहुत अच्छा रंग बिरंगी बढ़िया गुब्बारे बनते थे। तो बस ऐसे ही गुब्बारे आपके सामने यहाँ पर बने हुए हैं, ये साबुन के ही गुब्बारे हैं, लेकिन इसमें भरा है हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया ना, समझ में अच्छे से आया ना? अगर आपको सचमुच समझ में आया है यार, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, और 3 से 4 दिन जब कॉन्टेंट को बढ़िया बना लेते हैं तब जा करके कहीं आपको वीडियोस मिलता है। और अपने एनर्जी लेवल को ऐसे ही बना के रखना, तुमको भी अपना दुनिया में नाम रोशन करना है, तुमको भी खूब पैसा कमाना है, खूब इज्जत कमाना है, तो एनर्जी लेवल को डाउन मत करना कि यार इतना वीडियो देख लिए अब थक गए हैं, अब जाते हैं थोड़ी सो जाते हैं, थोड़ी चैट कर लेते हैं किसी से, ये मत करना। अपने एनर्जी लेवल को ऐसे ही बूस्टअप रखना, और आगे क्रमशः बढ़ेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। अब देखो मैंने क्या किया, वो तो मैंने रिएक्शन करके देख लिया था, अब मैं एक अम्ल ले आया और अम्ल के साथ एक धात्विक ऑक्साइड लेकर के आया, और इसके साथ रिएक्शन करके देखा। तो इसके साथ जब मैं देखा ना, तो मुझे लवण मिला और लवण के साथ पानी बाहर निकला। बोलोगे बाप रे बाप, मतलब अम्ल के साथ अगर धातु ऑक्साइड मिलाएंगे तो पानी निकलेगा? अरे हाँ भाई। अब बोलोगे यार सर वो सब ठीक है यार, लेकिन धातु ऑक्साइड ना हमें कुछ समझ नहीं आया, कहना क्या चाहते हो आप? तो देखो धातु ऑक्साइड मतलब ऐसा कोई धातु लो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो, जैसे उसमें मैंने Zn लिया था ना, तो बस Zn और O ले लो, बस धातु ऑक्साइड बन गया Zn O। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉपर के साथ रिएक्शन करके देखा,
तो CuO लिया मतलब कॉपर ऑक्साइड, और अम्ल के रूप में मैंने HCl को लिया जो कि आपके पेट के अंदर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे भोजन का पाचन होता है। जब मैंने इसका रिएक्शन किया ना तो देखो Cu के साथ बन जुड़ गया क्या Cl, तो ये बन गया CuCl2 और H2O मतलब पानी बाहर निकला। ये पानी का सूत्र होता है, हमने पाठ एक में अच्छे समझाया था। तो इस प्रकार से जब कभी अम्ल के साथ हम धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करेंगे तो हमें पानी अंतिम में मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट अभिक्रिया मैंने किया धातु कार्बोनेट के साथ, इसे पता है हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसके साथ जब मैंने रिएक्शन किया ना अम्ल का, तो अम्ल को मैंने लिया धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो हमें लवण मिला पहले, फिर पानी मिला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अच्छा, इसमें एक चीज तुम देखोगे, इसमें हमें क्या मिला था, लवण और पानी। जैसे ही मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया, धातु कार्बोनेट लिया, तो हमें अंतिम में CO2 मिलने लगा। यार देखो रिएक्शन कैसे किया, हमने लिया सबसे पहले ये है आपका धातु कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ठीक है। इसका रिएक्शन मैंने किसका किया, इसका रिएक्शन मैंने किया HCl के साथ, ठीक। तो ये क्या बना, NaCl मतलब लवण निकला, फिर निकला पानी, और फिर निकला आपका CO2। अब इसको हमने टेस्ट भी किया, कैसे जरा देखना। एक स्टैंड लिया, स्टैंड के अंदर हमने भर दिया क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, ठीक है, जो आपके पेट में रहता है, इसे हमने भर दिया। नीले कलर का जो भरा है ना वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब देखोगे जो ये नीचे कुछ टुकड़ा दिख रहा होगा, तुमको दिख रहा है ये जो टुकड़ा दिख रहा है वो कुछ और नहीं, यही तो है आपका सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3। जब जैसे ही इसे मैंने भरा ना यार, ये ऊपर देख रहे हो सफेद सफेद, तो ये कोई और गैस नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि ऊपर आने लगा। बस कुछ नहीं, खत्म, इतना ही है। तो हमने निकास नली के माध्यम से और इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भर लिया, ठीक है, जो बाहर निकला उसे भर लिया, और गैस का बुलबुला यहाँ से आप देख सकते हो। मतलब वैसे हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं, बाकी CO2 के कोई बुलबुले नहीं होते, इसलिए CO2 गैस कुछ इस प्रकार से भरा है, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया गया है आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से जब मैंने अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट का अभिक्रिया किया तो हमें अंतिम में कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। अब तुम्हारा धातु के साथ सारे रिएक्शन खत्म। अब एक अंतिम रिएक्शन बचा है, वो है जब कोई अधातु के साथ रिएक्शन करेंगे, जो धातु नहीं है, जिसमें कोई चमक नहीं है, इसको ठोकने पर पेटने पर आवाज नहीं निकलती है, जैसे रेत का कण हो गया, वो भी तो आपका अधातु है ना। इस प्रकार से हमने क्षार के साथ रिएक्शन किया। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले मैंने लिया क्षार, क्षार के साथ लिया एक अधात्विक ऑक्साइड, तो इससे हमें क्या क्या मिला, लवण मिला मतलब नमक, और पानी मिला, बस इतना याद रखना। तो देखो यहाँ पर मैंने रिएक्शन करके देखा CaOH का होल ट्वाइस एंड लिया आपके सामने CO2। इसका जब मैंने रिएक्शन किया तो ये बना CaCO3 और प्लस ये निकला पानी बाहर। तो जब कभी हम अम्ल के साथ किसी अधातु ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो वह हमेशा आपका लवण के साथ पानी बाहर निकालेगा, इस चीज को ध्यान रखना, आपके NCERT में भी यही लिखा है। अब देखो अम्ल और क्षार में आखिरकार समानता क्या है, है ना, कुछ ना कुछ तो समानता होगा ना। अच्छा डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस के लिए तुमने देखा कि अम्ल को हमने पानी में डाला तो हाइड्रोजन आयन बाहर निकाला था, मैंने पहले ही बताया चैप्टर में, और यही आपका परिभाषा है कि अम्ल को जब पानी के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है। लेकिन क्षार को जब मैंने पानी में डाला तो OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकला, तो ये तो हो गया उसमें डिफरेंस। लेकिन समानता क्या है, ऐसा क्या है दो जोन दोनों में सिमिलर है, एक बात बताओ, दोनों चीज को मैंने कहाँ डाला था, पानी में ही डाला था ना, मतलब दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि दोनों से कुछ ना कुछ निकलता है, और जो कुछ निकलता है उसका यूज हम बिजली बनाने में कर सकते हैं, बस यही तो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब बिजली के अच्छे संवाहक जिससे करंट फ्लो हो जाए, बस यही समानता है कि दोनों जो होता है बेटा वो होता है इलेक्ट्रोलाइट, बस इतना ध्यान रखना, मतलब बिजली के अच्छे संवाहक है। अम्ल और क्षार दोनों जल के घोल में आयन उत्पन्न करते हैं, अब भले एक धनायन दे एक ऋणायन दे वो मैटर नहीं करता, बस मैटर यही है कि दोनों हमें कुछ ना कुछ देते हैं। अरे यार सिंपल से यार, जैसे जैसे तुम्हारे कक्षा में कोई सर है, ठीक है,
तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम लड़के हो, अगर तुम लड़की हो तो तुमको पढ़ा रहे हैं। तो सर अगर लड़की उत्तर देती तो लड़की को भी टॉफी देते हैं, लड़का उत्तर देता तो लड़का को भी टॉफी देते हैं। मतलब सर में यही समानता है ना कि लड़का हो या लड़की कुछ ना कुछ देती है, बस इतना ध्यान रखो, खत्म। अब बोलोगे सर हम टॉफी नहीं खाते हैं, हमें टॉफी नहीं चाहिए, कल का आप देना तो आप मुझे टॉफी मत देना बल्कि कोई गिफ्ट देना, जैसे आईफोन दे दो है ना, बढ़िया एक लैपटॉप दे दो, बढ़िया हमें दे दो कैमरा वैमरा सर, ताकि हम भी आपके जैसे वीडियो बनाएं और बच्चों को आगे पढ़ाएं। और जिसको टीचर बनने का शौक है तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे साथ आकर के काम करो, बढ़िया पढ़ाएंगे और बच्चों को भी बढ़िया पढ़ाएंगे। चलिए तो अंतिम में देख लो कि अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं जबकि क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। पानी में अम्ल या क्षार की मिलने की प्रक्रिया जो है उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी। अब ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, ये सब मैं एक पाठ में पढ़ा चुका हूँ, अगर तुमने एक पाठ के लेक्चर को अच्छे से देखा है तो तुमको बन जाएगा, नहीं देखे हो तो नहीं बनेगा। तो इसके लिए करना क्या है, सिंपल सा जाओ, लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर फर्स्ट का, क्लिक करो और बढ़िया इत्मीनान आराम से देख लो, ठीक। तो ऊष्मा क्षेपी मतलब होता है ऊष्मा को बाहर निकालना है ना, कुछ ना कुछ बाहर निकले, उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी। और ऊष्मा शोषी मतलब होता है ऊष्मा को अपने तरफ खींचना, ठीक। तो देखियो यार कि अम्ल धन आयन देता है और जो क्षार होता है वो OH ऋण आयन देता है, ठीक। तो बस यही था ऊष्मा क्षेपी, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, एक एक चीज अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अच्छा, एनर्जी लेवल कैसा है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसका मन नहीं लग रहा होगा, अगर मन नहीं लग रहा बेटा तो याद करो तुम अपने आने वाले भविष्य को, तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुमको सब भगा देंगे और सब तुमसे बात नहीं करेंगे, सब तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे, इस बात को तुम दिमाग में बैठा लो। और तुम अपने आसपास आजकल ऐसे देख भी रहोगे, इसीलिए मन लगा करके पढ़ो यार, है ना। और आपका एनर्जी लेवल कैसा है कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ सर मेरा एनर्जी बहुत अच्छा है, तो ओके ओके लिखो ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ तुम अभी तक जिंदा हो, जिंदा मतलब तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम चाहते हो कि हम टॉप करें। इसके लिए कमेंट सेक्शन में जाइए, ओके ओके लिखिए ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ यार आप पढ़ाई मन लगा के कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं कि अम्ल और क्षार को पानी में डालने पर क्या होता है। अरे भैया वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जब अम्ल हो या क्षार अगर इसे पानी में डालोगे तो अम्ल देगा धन आयन और क्षार देगा OH ऋण आयन। मतलब ये आपको हाइड्रोजन आयन देगा और ये देगा आपको हाइड्रोक्साइड आयन, बस इतना सा है। वही बात आपके चैप्टर में बार बार बोला गया है, वही चीज आपके एग्जाम में भी बार बार पूछा जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखो यार एक चीज तुम सुने होगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड है ना। अब बोलोगे यार सर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है, अरे कभी अपने स्कूल की प्रयोगशाला देखे हो, अरे बोलोगे देखे नहीं है लेकिन गए जरूर है, हाँ प्रयोगशाला तुम गए होगे। तो सिंपल सर प्रयोगशाला जब गए होगे ना तो प्रयोगशाला में जो एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। बोलोगे कैसे सर, अरे भैया सिंपल सा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता ना और तुम प्रयोग करते, या स्ट्रॉन्ग बेस होता तुम प्रयोग करते, तुम्हारे हाथ में तन्नक भी गिर जाता ना तो जलने लगता हाथ, हाथ जलने लगता, बोलते बाप रे बाप जल गए, कल से हम प्रयोगशाला नहीं जाएंगे, और तुम्हारी मम्मी भी कुटाई करती कि बेटा जब तुम प्रयोग करने गए थे तो हाथ में ग्लव्स क्यों नहीं पहने थे, है ना। इसलिए प्रयोगशाला में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रखते हैं। तो फिर कहाँ रहता है ये साइंटिस्टों के पास रहता है, जब साइंटिस्ट कोई चीज़ का खोज करते हैं तो बहुत सावधानी से इनका यूज करते हैं। तो फिर आपके प्रयोगशाला में वीक एसिड और वीक बेस रहता है जिसको हाथ में गिर भी जाए तो ज़्यादा कोई प्रभाव ना पड़े, प्रभाव तो पड़ता है लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आपको पता है हम चाहें तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बना सकते हैं। बोलोगे कैसे सर, बताओ यार हम भी बनाएंगे स्ट्रॉन्ग से वीक, घर में प्रैक्टिस करेंगे। अरे तो सिंपल सा यार, तुम स्ट्रॉन्ग एसिड ले आओ और उसमें डाल दो पानी, पानी डालोगे तो बन जाएगा वीक एसिड, फिर उसके माध्यम से तुम रिएक्शन करो। आइए जानते हैं एसिड और बेस को पहचानेंगे कैसे, यार हमें तो पहचान करना नहीं आता, तो कोई ना कोई तो ऐसा तरीका होगा ना जिसके माध्यम से एसिड और बेस को पहचानेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे pH स्केल। अब बोलोगे सर ये pH स्केल क्या होता है, 9th में मैं थोड़ी थोड़ी सुना था लेकिन याद नहीं है,
तो याद करो कक्षा नौवीं में तुम पढ़े होगे पीएच स्केल, और पीएच स्केल के खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सो रैंसम। क्या नाम था? सो रैंसम नामक का साइंटिस्ट ने पीएच स्केल का खोज किया था, और स्केल के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ एसिड है, कौन सा पदार्थ बेस है और कौन सा पदार्थ न्यूट्रल है। परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी और इसका पैमाना कहां से लेकर के कहां तक होता है। तो याद रखना, इसका खोज करने वाले सोरेनसन नामक साइंटिस्ट थे। इसका पैमाना 0 से लेकर के 14 तक होता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि 1 से होता है, लेकिन नहीं बेटा, इसका पैमाना 1 से नहीं होता बल्कि 0 से लेकर के 14 तक होता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखो, इन्होंने जब स्केल को बनाया था तो ये कुछ इस प्रकार से इनका स्केल था, ठीक है। स्केल को जब इन्होंने बनाया तो बीचों बीच को इन्होंने 7 किया, ठीक है। मतलब 14 का आधा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 को इन्होंने बोल दिया कोई भी चीज होगा तो कहलाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना तो उसका नेचर एसिडिक रहेगा, ना तो उसका नेचर एल्केलाइन रहेगा, मतलब ना तो वो अम्ल रहेगा ना तो क्षार रहेगा, तो उसे बोल दिया न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। जैसे पानी तो तुम पीते होगे ना, अरे अपने घर में जो पानी पीते हो वो न्यूट्रल है। पानी का स्वाद ना तो खट्टा होता है ना तो कड़वा होता है। किसी को लगा क्या कि पानी यार कितना कड़वा है? किसी को नहीं लगा होगा। पानी न्यूट्रल है, उदासीन है, ये हमने नहीं बताया, ये पीएच स्केल के माध्यम से बताया गया है। आपके पहले जितने भी है 0 से लेकर के 6 तक, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। और 7 के बाद 7 से लेकर के 14 तक जितने भी पदार्थ का पीएच वैल्यू आए वह सभी क्षार कहलाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका अच्छा एग्जांपल देता हूँ, यूरिया। यूरिया मतलब मूत्र तो आप सबने देखा ही होगा, है ना। यह इंसान भी उत्सर्जन करता है, जीव जंतु भी करते हैं, कोई भी चीज हो, कीड़े मकोड़े सब उत्सर्जन करते हैं। तो जो मूत्र होता है तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है, मतलब मूत्र जो है वो एसिडिक नेचर का है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे ही जो नमक होता है, पानी में आप जितना नमक डालोगे तो उसका पीएच वैल्यू उतना ही बढ़ेगा, उतना ही खारा होगा। कभी समुद्र गए हो, समुद्र का पानी कभी पी करके देखना, बहुत खारा लगेगा, बहुत ही ज्यादा खारा। तो वो आपका एक क्षार का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलो एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है। मैं जानना चाहता हूँ कि कक्षा नौवीं में तुम कितना पढ़े थे और कितना तुम्हें याद है। बहुत सरल प्रश्न है, डरना मत। एक बात बताओ, सपोज करो कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसका पीएच मान 6 है और कोई ऐसा पदार्थ है जिसका पीएच मान 2 है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब अम्लीय पदार्थ कौन सा होगा? 6 वाला होगा या 2 वाला होगा? आपका जो भी आंसर है वो लिखना है कमेंट सेक्शन में। अगर कोई स्टूडेंट 6 देना चाहता तो 6 उत्तर दे, अगर कोई स्टूडेंट 2 देना चाहता तो कमेंट सेक्शन में 2 लिखे। लाइव चैट में नहीं बल्कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका पीएच स्केल था, इसको खोज करने वाले सोरेनसन नामक साइंटिस्ट थे, यही आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जिसको मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूचक क्या होता है, सूचक को समझने का प्रयास करते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो अन्य रासायनिक पदार्थ की प्रकृति का पता लगाने में मदद करता है उसे कहते हैं सूचक। अब बोलोगे सर चलो ठीक है, प्रकृति क्या होता है यार? प्रकृति मतलब उसका नेचर। जैसे एक स्कूल में शिक्षक आता है और आपके नेचर को पता लगाता है कि आप कैसे हो, आप हसमुख स्वभाव के हो या गुस्सैल प्रवृत्ति के हो, किस प्रकार से हो, तो आपके नेचर को पता लगाने वाला जो शिक्षक आता है तो शिक्षक हो जाएगा सूचक, ठीक। तो ऐसे ही अम्ल और क्षार को पता लगाने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं वह है लिटमस पेपर, और इसी के माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। अब यहां पर देखो, लिटमस पेपर रखा है 2, ठीक है। ये वही लिटमस पेपर है जो मैं बाजार से खरीद के लाया था। तो ये लिटमस पेपर का कलर क्या है? नीला। तो नीला को लाल करने वाला क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा या क्षार कहलाएगा? इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना है, सभी बच्चों को पता लग सके कि यह आंसर सही। जैसे लिटमस पेपर एक सूचक की तरह कार्य करता है, ठीक ऐसे ही हमारे एनसीईआरटी में 2 से 3 सूचक का और भी नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं, इन सूचक का उपयोग जब हम अम्ल और क्षार के साथ करते हैं
तो कौन कौन सा रंग उत्पन्न होता है, और ये ऐसे सूचक हैं जिनका प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा मार्केट चले जाइएगा और मार्केट से आप लाल कलर का लेटर पेपर, नीला कलर का और हल्दी तुम्हारे घर में होगा, इनके सहायता से तुम अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके देख सकते हो कि किस प्रकार से कलर में परिवर्तन होता है। इनका खर्चा मुश्किल से मुश्किल 5 या 10 रुपये आएगा, तो इतना तो खर्चा कर सकते हो, और अगर तुम खुद प्रयोग के द्वारा देख लोगे तो तुम्हें कभी भूलेगा नहीं। तो देखो, मैंने मार्केट में गया और लाल रंग के लेटर पेपर को लेकर क्या था, तो लाल रंग के लेटर पेपर को जब मैंने अम्ल में डाला ना, अम्ल मतलब बोले तो क्या, अम्ल मतलब HCl, H2SO4, अरे यार ये सब हटाओ, तुम नींबू के रस में डाल देना। तो जब मैंने लाल कलर को नींबू के रस में डाला तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये लाल रंग का ही रहा। लेकिन जैसे ही इसे नमक के बिलियन में मैंने डाला तो ये बन गया नीले रंग का, मतलब कलर हो गया परिवर्तन। तो मैंने दोबारा प्रयोग किया, दोबारा किस साथ किया, मैंने नीले रंग के लेटर पेपर के साथ किया। तो जब इसको मैंने अमल में डाला, मतलब नींबू के रस में, तो नीले का नीला ही रहा। लेकिन जैसे ही इसे मैं क्षार में डाला ना, तो नीला रंग लाल में बदल गया। इस प्रकार से परिवर्तन हमें देखने को मिला। अब मैं क्या किया कि लाल और नीला दोनों रंग के लेटर पेपर को साइड कर दिया, और मैं नींबू के रस में और किसमें, नमक के घोल में मैंने हल्दी डाला। यार हल्दी जैसे ही मैंने डाला अम्ल में, नींबू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही नमक के बिलियन में डाला, इसका रंग बदलने लगा, लाल होने लगा। अरे यार इसका अच्छा एग्जांपल है, तुम जब कपड़े धुलते हो ना, कपड़े में कभी हल्दी वगैरह गिर जाता है तो धुलते हो, तो जैसे ही तुम उसमें वॉशिंग पाउडर डालते हो, निरमा डालते हो, तुम देखे होगे उसका कलर चेंज होकर के लाल रंग का हो जाता है। तो बस हल्दी के साथ जैसे ही क्षार का रिएक्शन होता है तो लाल रंग उत्पन्न करता है। ठीक ऐसे ही मैंने नेफ्थलीन लेकर के आया था, नेफ्थलीन लेकर के आया, अम्ल के साथ डाला तो कलरलेस हो गया, मतलब कोई कलर दिया ही नहीं, और जैसे मैं क्षार के साथ डाला तो गुलाबी रंग देने लगा, है ना, गुलाबी रंग, इतना प्यारा रंग दिया था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था नेफ्थलीन को डालने पर। नेफ्थलीन की एक गोली आती है, अगर आप चाहो तो मेडिकल में जा करके और बोल देना कि भैया नेफ्थलीन की गोली दे दो, तो 5 या 10 रुपये का पैकेट दे देगा। अब मैंने यही प्रयोग मैथिल ऑरेंज के साथ किया, अम्ल में डाला तो लाल रंग का हुआ और क्षार में डाला तो पीले रंग का दिखने लगा था। इस प्रकार से हमारा सूचक अपने रंग में परिवर्तन किया है। इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा चीज अम्ल है और कौन सा चीज क्षार है। अब ज़्यादा कुछ नहीं बता है, लगभग हम चैप्टर के एंड में हैं, बस थोड़ी देर में चैप्टर खत्म होने वाला है। आपके साहस की मैं प्रशंसा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से और मन लगा के पढ़ाई किया है। तो बस 1 से 2 स्लाइड और बचा है, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप विचार करना और फिर उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके देना। इस प्रकार से आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। अब देखो, गंधीय सूचक मतलब महक से कोई चीज़ कैसे पहचानते हो, तुम कभी देखे होगे यार, है ना, नहीं देखे हो तो प्रयोग करना। खाना खाने के साथ तुम प्याज खाना, और जैसे तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो तुम थोड़ा प्याज का टुकड़ा खा लेना, और किसी के पास जाना, किसी व्यक्ति के पास बैठना, वह व्यक्ति तुमको बता देगा कि बेटा तुमने प्याज खाया है। क्यों? क्योंकि प्याज की महक ही कुछ ऐसी होती है, मतलब ये गंधीय सूचक है, इसके माध्यम से गंध के द्वारा पहचान किया सकती है कि तुमने क्या खाया है। अरे प्याज छोड़ो यार, तुम लौंग खा लेना, लाइची खा लेना, तुम वेनिला खा लेना। अब बोलोगे वेनिला क्या होता है, तो इसका चित्र दिया गया है, ठीक। इन चीज को तुम खा करके किसी के पास जानना, वो तुमको बता देगा कि बेटा तुमने क्या खाया है। तो ठीक ऐसे ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध होती है अम्लीय या तो क्षारीय, ठीक, दोनों में से कोई भी हो सकती है, जिसके माध्यम से हम पहचान करते हैं, इसे कहते हैं गंधीय सूचक। मतलब उसके गंध के माध्यम से हम पहचान कर लें कि भाई तुमने प्याज खाया है, लौंग खाया है, लाइची खाया है या वेनिला खाया है, इसे ही गंधीय सूचक कहते हैं और कुछ नहीं है। तो गंधीय सूचक से क्वेश्चंस 1 नंबर का पूछा जाएगा, बाकी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब आइए देखते हैं कि पीएच स्केल का महत्व क्या क्या है हमारे दैनिक जीवन में। अभी हमने पीएच स्केल को पढ़ा है कि पीएच स्केल का वैल्यू कहाँ से होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। इसका खोज करने वाला सोरेनसन नामक साइंटिस्ट है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जो 7 से पहले होता है, मतलब 0 से लेकर के 6 तक, वो अम्लीय होता है।
जो 8 से लेकर के 14 तक होता है वो क्षारीय होता है, इतना तुमने पढ़ा है ना। अब उसी पीएच स्केल की सहायता से हम किसी चीज का पता कैसे लगाएंगे, जरा समझना। सबसे पहले अम्लीय वर्षा कैसे पता लगाएंगे कि जो बारिश हो रही है, जो आसमान से पानी गिर रहा है वो अम्ल है या क्षार है, मतलब जो बारिश है वो अम्लीय हो रही है या क्षारीय। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो पानी की बूंदें बरसी पृथ्वी पर, बरस के आई ना, उसको मैंने उठा लिया। उठाने के बाद हमने उसको ले गए पीएच स्केल के पास, और जैसे ही पीएच स्केल को वहां पर डाले तो वैल्यू आ गया, उसका वैल्यू आया क्या, 5.6 से कम। और जैसे ही 5.6 से कम मान आया, मैं समझ गया कि जो वर्षा हो रही है ये अम्लीय वर्षा है और ये हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक है। आपको पता है अगर अम्लीय वर्षा का पानी आपके त्वचा में पड़ जाए तो आपके त्वचा में सफ़ेद सफ़ेद चकते चकते दाने निकल आएंगे, और आप जो बहुत सुंदर दिखने की कोशिश करते हो ना, वो तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर अम्लीय वर्षा आपके तालाब के पानी में भर जाए ना, तो तालाब की सारी मछलियाँ मर जाएंगी। नदी में चला जाए तो नदी की सारी मछलियाँ मर जाएंगी, वहाँ के जीव जंतु मरने चालू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो बस इस प्रकार से अम्लीय वर्षा की पहचान करेंगे। अगर ऐसा कोई पानी जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड कहता है कि पाचन तंत्र का पीएच। पाचन तंत्र में मतलब भोजन को पचाने के लिए किस अम्ल का यूज करते हैं, मैं आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो सिंपल सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो अम्ल है, लेकिन हमारे शरीर के लिए फायदा है, हमको भोजन पचाने मदद करता है। अगर शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता तो हमारा भोजन नहीं पचता। अब बोलोगे सर हमको पता कैसे चले, अरे तुम कभी खाना खा के डकारे हो, खाना खा के डकार देते हो ना, तो कहते हो यार फुल पेट भर गया। वो डकारी जो खट्टी खट्टी आती है वो किसी और की नहीं बल्कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl की ही डकार होती है, समझ गए। अब देखो दंत 6 का पीएच मान, अगर आप देखो हमारे दांत में भी अम्ल होता है, ठीक है, हमारे दांत में भी अम्ल होता है, तो अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए ना, तो आपके 32 के 32 दांत झड़ करके बाहर आ जाएंगे। कभी कभी देखे होगे कि कोई 20 या 25 साल का लड़का रहता है, उसके दांत पूरे झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो मुंह में अम्ल रहता है उसका पीएच मान 5.5 से कम हो गया है, इसलिए उसके दांत झड़ गए, ऑटोमेटिक दांत झड़ेंगे। इस प्रकार से आम तोड़ने जाते हैं तो आम झड़ते हैं, बस वैसे ही दांत पूरे झड़ जाएंगे और तुम बिना दांत के हो जाओगे। ठीक है, तो याद रखना इसके लिए करना क्या है, तो हमें रेगुलर ब्रश करना है, कुल्ला करना है और अपने दांत को साफ रखना है, अगर तुम दांत बचाना चाहते हो तो। ठीक है जी, चलिए स्लाइड के अंतिम पड़ाव पे हैं। अब बस हमारा चैप्टर द एंड की तरफ जा रहा है। कुछ अम्ल देख लो कि कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है, तुमको याद रहेगा। देखो जो सिरका होता है, सिरका का उपयोग अचार बनाने के लिए किया जाता है। घर में अचार या मुरब्बा बनता है तो उसमें सिरका डालते हैं खरीद करके। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछता है कि बताओ सिरका में कौन सा अम्ल पाता है, आपको ऑप्शन दे देगा एसिटिक, सिट्रिक, टार्ट्रिक या ऑक्सैलिक। तो तुमको टिक करना है कि सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल और इसे रट लो। क्या करना है, रट लो, क्योंकि रटना ही पड़ेगा, इसका कोई और सोर्स नहीं है। आपको पता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब तुम JEE और नीट का पेपर दोगे ना, वहां भी पूछाएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। अब देखो जो संतरा होता है, संतरा तो खाए होगे, वही संतरा जब छीलते हो फिर स्लाइस निकलता है खाते हो, तो संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, याद रखना। ट्रिक कैसे बनाओ, इसमें सा से स्टार्ट होता है संतरा, तो सा से सिट्रिक, सा से संतरा, सा से सिट्रिक, सा से संतरा, सा से सिट्रिक, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली, इमली खाए होगे, हाँ बहुत खट्टा लगता है इमली, है ना। अब इमली का नाम सुनकर के बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा, अरे यार इमली चीज ही ऐसी है। इमली जब कोई खाता है ना, दूसरा व्यक्ति खाता है लेकिन तुम्हारे मुंह में पानी आता है। यकीन मानो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इमली का नाम ले रहा हूँ, तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया कि इमली होती तो खट्टी इमली खाता, क्या वजह है इमली का। तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। टमाटर तो खाए होगे, सब्जी में डालती है टमाटर, मम्मी डालती है, इवन तुम कभी खाना बनाए होगे तुम भी डाले होगे, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। और आपको पता है अगर आपके कपड़े में कहीं जंग लग गया है ना, जंग, हाँ वही जंग, लोहे की जंग,
तो उसको टमाटर से तुम साफ कर दो, तुम्हारा कपड़ा बढ़िया साफ हो जाएगा, क्योंकि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है और ऑक्सैलिक अम्ल जंग को हटाता है। ठीक है, तो इस चीज को तुम प्रयोग करके घर में देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, खट्टा दूध या दही, है ना, जब कभी दूध खराब हो जाता है या फिर दही बन जाता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। और एक बात बताओ, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, और इसमें जो अम्ल पाया जाता है और अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, याद रखना, दूध की शुद्धता मतलब दूध में पानी तो नहीं मिला है ना, कितना पानी मिला है, इसको लैक्टोमीटर की सहायता से पता लगाया जाता है। आपको पता है इसका नाम लैक्टोमीटर क्यों पड़ा है, क्योंकि दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, इसलिए उस नापने वाले मशीन का नाम वैज्ञानिक ने लैक्टोमीटर रख दिया है ना। मजा तो आ रहा है ना। चलो, नींबू में क्या पाया जाता है भाई, सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू सेम है, एक जैसे ही दिखता है, और दोनों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। अब चींटी का डंक, चींटी को देखे हुए डंक मारते, चींटी में पाया जाता है मैथेनॉइक अम्ल। कौन सा, मैथेनॉइक अम्ल। अब नेटल का डंक, अब बोलोगे सर ये नेटल क्या होता है, इसमें भी मैथेनॉइक अम्ल होता है, मतलब चींटी की तरह नेटल भी डंक मारता है। बोलोगे सर ये नेटल क्या होता है, नेटल एक पौधा होता है जो कि डंक मारता है चींटी की तरह। बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो, पौधा कभी डंक मारेगा? अरे हाँ भाई, जब इस पौधे के पास तुम पहुंचते हो ना, देखो सबसे पहले पौधा देखो इस प्रकार से दिखता है, इस पौधे के पास जब तुम पहुंचोगे ना तो ये पौधा तुमको डंक मारेगा, टक 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 टक। इसके पत्तियों देखो कांटे नुमा है और ये तुमको डंक मारता है, और इसमें पाया जाता है मैथेनॉइक अम्ल। ये पौधा हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, ये पौधा पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, हमारे एशिया महाद्वीप में नहीं है। ठीक है, और ये एक शाकीय पादप है, मतलब इसका सब्जी बना करके भी खाया जाता है। ठीक, तो डंक मारता है, और डंक जब मारता है तो बहुत चींटी जैसे काटता है, और इसके इलाज के लिए ना ये पौधा जहाँ पर उगता है तो इसका इलाज भी वहीं पर रहता है, उसी के बगल में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है डॉक, और उसे जहाँ पर डंक मार दिया है वहाँ पर उस पत्ती को तोड़ो और रगड़ दो तो वो तुम्हारा डंक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो नेटल एक पौधा है, याद रखना, तुम्हारे परीक्षा में पूछा जाएगा कि नेटल का डंक कैसा होता है, तो इसमें पाया जाता है मैथेनॉइक अम्ल, और इसके इलाज के लिए इसके बगल में ही एक पौधा रहता है जिसका नाम है डॉक, उसके माध्यम से इसका इलाज होता है। लीजिए भाई साहब, अब आपका अंतिम स्लाइड को देखने के बाद एक तगड़ा प्रश्न आने वाला है, लवण का पीएच मान, है ना। अभी तक तुमने अम्ल देखा, क्षार देखा, अब देखो लवण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का पीएच मान 7 होता है, है ना, इसका अच्छा एग्जांपल है पानी। ठीक, और देख लो यहाँ पर पीएच स्केल बना हुआ है, 1 से स्टार्ट है, यहाँ तक जाओगे तो ये देखो, ये आपका हो गया नेचर, क्या एसिडिक हो गया नेचर, फिर ये हो गया आपका न्यूट्रल मतलब उदासीन, और ये हो गया आपका क्षारीय नेचर। ठीक, अब देखो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का पीएच मान 7 से कम होता है, अगर कोई चीज प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा, मतलब जिसका भी पीएच मान 7 से कम है तो समझ लो कि वो सबसे ज्यादा अम्लीय है और क्षारीय कम है, और अगर 7 है तो क्या है, 7 है तो दोनों है, अम्ल भी है क्षार भी है, मतलब इसे कहते हैं उदासीन। ठीक, और अब देखो जब किसी चीज का वैल्यू 7 से अधिक आए तो समझो कि वो एकदम क्षार है, जैसे कि तुमने पीएच स्केल में इसके पहले देखा था। हम स्लाइड में आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चंस को कवर करें, उसके पहले आप ये बताइए कि आपका एनर्जी लेवल कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वीडियो बंद करने के इरादे में हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से चैट करने जाने के इरादे में हो, अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो फिर से मैं तुमको बोलूँगा बेटा तुम अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। मिडिल एजुकेशन आपको ऐसा कॉन्टेंट देता है ना जो आपको पैसा पे करने के बाद भी नहीं मिलेगा, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाना, वह भी एकदम आसान भाषा में, ऐसा आप कहीं पैसा देने भी जाओगे फिर भी आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, और यकीन नहीं तो तुम स्वयं कहीं कोचिंग संस्थान ज्वाइन करके देख सकते हो, टोटल फ्री में कंटेंट देता हूँ यार, तो मेहनत कर लो, पढ़ लो यार, तुम्हारे लिए मैं हर एक चीज़ करता हूँ, बस तुम पढ़ाई करते जाओ, यकीन मानो बोर्ड एग्जाम में तुमको टॉप करा दूंगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो इम्पॉर्टेंट बिंदु को और देखते हैं जहां से दो दो नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देंगे और वीडियो को करेंगे द एंड, मतलब आपको मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 मिनट
और इंतजार करना होगा वीडियो समाप्त होने के दायरे पे। ठीक है, तो 2-4 मिनट और साहस कीजिए, पूरा का पूरा स्लाइड कंप्लीट हो जाएगा और यकीन मानो यह चैप्टर तुमसे अच्छे से बनने लगेगा। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आप नोट्स तो बना रहे हो ना, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि यार दोबारा वीडियो देख लेंगे, नहीं हो पाता बेटा कभी, आप साथ में नोट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए। जब कभी हम आपसे मिलेंगे और आप अपना नोट्स दिखाएंगे ना कि सर हमने इस नोट्स को वीडियो के माध्यम से सुनाया, हमें बहुत खुशी होगी और हम आपको कोई कुछ ना कुछ गिफ्ट दे करके जरूर आएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाते आना। चलिए अंतिम बिंदु की तरफ है, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु हैं? जैसे देखो H2O, ये तो पानी का सूत्र है, इसमें कितने अणु है? 5 अणु है, मतलब यहाँ पर 5 पानी है। तो यही तो होता है क्रिस्टलन का जल। देखो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं, और ये एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट का, और इसमें जल के 5 अणु उपस्थित हैं, देख सकते हो। ये बच्चे सारे घेरे हुए हैं, जल को पकड़े हुए हैं, और इस प्रकार से रहा कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन का जल। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। आइए अब चैप्टर के एंड में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH है। ठीक है, इसके बाद विरंजक चूर्ण है, इनका यूज कहाँ होता है अभी बताने वाला हूँ। बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, अरे धावन सोडा मतलब वही है निर्मा जिससे तुम कपड़ा धुलते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब आपकी हड्डियाँ टूट जाती है तो इसको जोड़ने में काम आता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि हड्डियाँ किस प्रकार जुड़ती है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आइए उसके पहले हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। ठीक, तो सिंपल सा, जरा तुम मेरी बात को ध्यान से देखो। सबसे पहले एक बीकर लिए हैं और बीकर में हमने भर लिया है क्या, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अभी बोलोगे सर नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में ना, तो आओ देखो किस प्रकार से। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड AQ मतलब होता है एक्वा, एक्वा मतलब जलीय विलयन, मतलब जो सोडियम क्लोराइड है ये पानी में घुला हुआ है, इसलिए AQ लिखा गया है। अच्छा एक चीज देख लो, अगर कहीं पर AQ लिखा हो ना बेटा, तो इसका मतलब होता है कि घोल है कोई चीज का। अगर कहीं पर सॉलिड ठोस लिखा हो, ठीक है, सॉलिड S लिखा हो तो समझ लो ठोस है, और G बना हो तो समझो गैस है। बस यही 3 चीज होती है। ठीक है, तो देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में AQ लिखा है मतलब ये जलीय विलयन है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H2O मतलब पानी डालने पर ये O, ये दो है ऊपर हो गए, ये नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो गया। चलिए तो H2O डालने पर ये निकलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन और हाइड्रोजन, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्लोरोक्षार। ठीक है, ये दो भी ऊपर चला गया है, इसको गौर कीजिएगा नीचे होगा, ये दो भी ऊपर चला गया, इसको गौर कीजिएगा नीचे होगा। ठीक, तो क्या हुआ, जब भी हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, एक सेकंड इससे पहले मैं इरेज कर देता हूं तब आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक, ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए। चलो ठीक है, इस दो को चेंज कर लेना, ये जो दो ऊपर चला गया ये यहाँ नीचे होगा, ये भी नीचे होगा, ये भी नीचे होगा, टाइपिंग मिस्टेक में गलती हो गई है। ठीक है, देखो जब भी कभी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जल प्रवाहित करने पर मतलब पानी डालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं क्लोरोक्षार। समझ गए, मतलब तुम लो NaCl, इसमें डालो पानी तो तुमको क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलेगा, इसे कहते हैं क्लोरोक्षार। बस इतना ही है। अब आइए हम देखते हैं हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हाइड्रोक्साइड का उपयोग ना सिंपल सा साबुन, कागज, विस्फोटक, रंगाई और पेट्रोलियम उत्पाद के निर्माण के लिए किया जाता है। यहीं पर हाइड्रोजन गैस का यूज किसमें करते हैं, वाहनों के ईंधन के रूप में। अभी तो पेट्रोल का यूज होता है, डीजल का यूज होता है, लेकिन आने वाला भविष्य हमारा जो गाड़ियां आएंगी उसमें 100% हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होगा, और आने वाले समय में गाड़ी जो चलेगी
वो हाइड्रोजन से चलेगी, पेट्रोल डीजल बंद होने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब हमारा भविष्य है हाइड्रोजन गैस की तरफ और इससे ही गाड़ी चलाएंगे। नेक्स्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन का उपयोग पानी को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है, फ्रिज में रखा जाता है ताकि फ्रिज में बदबू ना दे, तो इन सब के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। इन यूज को अच्छे से देख लीजिए, आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके आइएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कहता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है जरा समझना। देखो सबसे पहले हम ले लेंगे क्या, शुष्क बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का मतलब होता है ऐसा चूना जिसमें पानी डाला हो, उसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, और इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो जब बुझा हुआ चूना में हम क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और विरंजक चूर्ण को हम CaOCl2 से दर्शाते हैं, बस इतना बोला गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम पानी बुझा हुआ चूना लिए, मतलब जिसमें पानी डाला था, तो उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसमें हमने क्लोरीन की अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला बेटा, CaOCl2, मतलब मिला विरंजक चूर्ण और अंतिम में निकला पानी। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है जरा देख लो, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेनिन के विरंजक के लिए, विरंजक मतलब उसको साफ करने के लिए, ठीक है। कागज उद्योग में जहां पर कागज बनता है तो जो लकड़ी लेकर के आते हैं, लकड़ी में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको साफ करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है, और पानी को कीटाणु से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण डाला जाता है। देखो हमने एक थाली लिया और ये रख दिया विरंजक चूर्ण, ये सफेद सफेद है, विरंजक चूर्ण कुछ इस प्रकार से दिखता है, समझ गए। एक दो और इंपॉर्टेंट बिंदु बचा है, जो आपका बेकिंग सोडा और धावन सोडा है, इसके बाद आपका वीडियो होगा कंप्लीट। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, सिंपल सा यार, घर में मम्मी से पूछना, खाना बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3, ये कहलाता है बेकिंग सोडा। इसका उपयोग घरों में किया जाता है खाना को पकाने के लिए, अगर खाना जल्दी पकाना है ना तो उसमें थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल दो, खाना जल्दी पक जाएगा। तो इस प्रकार से होता है, इसका एग्जाम्पल यूज देख लो, तुम्हारे परीक्षा में केवल यूज पूछेगा। और बेकिंग सोडा को इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके ही बेकिंग सोडा बना जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अंतिम बचा है आपका धावन सोडा। धावन सोडा मतलब जिसको हम कपड़े धुलने के लिए उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं धावन सोडा, ठीक है। देखो जरा कैसे, अच्छा पहले इसका सूत्र देख लो, सूत्र क्या होता है इसका, Na2CO3 10H2O, 10 मतलब यहां पर 10 पानी है, मतलब वो देखे ना क्रिस्टलन का जल, तो 10 पानी है, मतलब पानी के 10 अणु है, इससे मिलकर के धावन सोडा बना है। तो धावन सोडा का सूत्र आप सबको पता होना चाहिए, इस चीज को गौर करना, ठीक। अच्छा इसका यूज कहाँ होता है, तो सबसे पहले कांच और साबुन उद्योग में करते हैं, ठीक है, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में करते हैं, ठीक है, घरों की सफाई के लिए करते हैं, और कठोर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं, मतलब जल को मृदु बनाते हैं, पीने योग्य पानी बने, उसके लिए धावन सोडा का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए हम देख लेते हैं एक प्रश्न को। हमारा प्रश्न कहता है, शुक्र ग्रह तो तुम जानते ही होगे, है ना, ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। जो हमारा शुक्र ग्रह है ना, इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल है, मतलब H2SO4, ठीक है, के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना हुआ है, है ना। जो हमारा शुक्र ग्रह है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के सफेद और पीले बादल हैं। तो एक बात बताओ, क्या इस ग्रह में जीवन यापन संभव है? अगर हाँ है तो कमेंट सेशन में लिखिए कि हाँ सर इस ग्रह में जीवन यापन संभव है, अगर नहीं तो लिखिएगा कि सर नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल से पूरा का पूरा बादल बना हुआ है, इसलिए आंसर विचार करके ही दीजिएगा, कुछ भी आंसर मत करना। कठिन प्रश्न है, इसका आंसर हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका आंसर आप हमें
दीजिए। अंतिम में आगे बढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कहते हैं पीओपी। पीओपी का सूत्र होता है CaSO4 इंटू या डॉट कुछ भी कहो 1/2 H2O, मतलब इसमें पानी के कितने अणु हैं, आधा अणु है, 1/2। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अगर तुम्हारी हड्डी टूट जाती है तो हड्डी को जोड़ने के लिए करते हैं। देखो इस प्रकार से, ये हाथ टूटा है एक बच्चे का, तो मैंने इस पे पट्टी बंधवा दिया डॉक्टर के यहाँ जाके। ठीक, तो जो पट्टी बनती है इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब अंदर पट्टी के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला करके और बांध देते हैं ताकि आपका हाथ जुड़ जाए। इतना ही नहीं, अपने घरों में देखा होगा पुट्टियाँ होती हैं, उसमें भी पीओपी का यूज़ किया जाता है। इस टर्म्स को तुमने सुना ही होगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मन में कोई डाउट है तो वो भी लिखिएगा, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।